हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, बता दो कितने बज रहे हैं? 10:30। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और कल तो हमें लगा कि आज बारिश नहीं होगी, बट हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है। हमारा प्लान बना था कि आज अपने गांव वापस जाएंगे, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्या पता ही तेज भी हो जाए। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी नहाया किसी ने नहीं है, 2 दिन हो गए इस होटल पे हम हैं और नहाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, बारिश हो रही थी ना। तो फिलहाल अभी नहाते हैं, इतनी ठंड लग रही है ना, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बट 2 दिन हो गए, मुंह तक नहीं धोया मैंने, तो हिम्मत लगाई है नहाने की कि नहा ही लेते हैं आज। तो पीयूसी, मैंने तो नहा लिया, अब जल्दी से तू नहा ले, ठीक है? अरे नहीं, ऐसे मत कर, ओए कपड़े मत भिगा अपने। तो पीयूष तो नहा के आ गया है, ओए आते ही बिस्तर में घुस गया, ले तेरी शर्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट तो आ चुका है, परांठे और दही खा लेगा ना? तो अभी नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके रेडी हो चुके हैं और बारिश भी रुक चुकी है, तो जल्दी निकल लेते हैं। हमारा प्लान है पैदल जाने का, पीछे से एक रास्ता है जंगल वाला, जंगल से हम सीधा गांव निकल लेंगे, 2 किलोमीटर अराउंड। तो देखते हैं, काफ़ी एडवेंचरस रहेगा जंगल से जाना। 12:30 बज चुके हैं यार, 10 बजे तो हम उठे थे, फिलहाल निकलते हैं जल्दी। तो अभी रूम के बाहर फिर से बंदर आ गया है, मैं जल्दी से भाग के आ गया यहाँ पे। वो अंदर जा रहा है, वो अंदर, ओए अंदर गया, अंदर गया, ओए अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओए ओए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पारस भी एक कुर्सी उठा के आ गए, वाह क्या कर रहे हो? ओए मेरा तौलिया, ये मत चेड़ो यार, ये मेरा तौलिया है, भूल गए हो शॉम। कितने क्यूट सा बंदर है वो भाई, कितना मस्त लग रहा है, क्यूट सा है, पूछता नहीं है वो, खा लेता है। हेलो कैसे हो? हाँ यार, परांठा दे दो, परांठा दे दो इसको। वो देखो, भूख लगी थी इसको बहुत तेज, वो खाएगा? भूख लगी थी, कैसे खा रहा है यार वो, कितना क्यूट लग रहा है यार खाते हुए। क्यूटी, बाय बाय, खा ले खा ले खा ले। उसका बच्चा ना दूध पी रहा है तो उसको भूख लग रही है। एक और आ गया बंदर पीछे, ये कह रहा है मुझे भी दो। एक्सक्यूज मी ब्रो, भाई ऐसे ऐसे मत लगाओ, ये पूरा दिन यहीं बैठे रहेंगे। तो बाइक्स अपनी यहीं पे खड़ी है, और अगर ज्यादा बारिश आएगी तो उसके लिए हमारे पास छाते भी आ चुके हैं, तो काफी बड़े बड़े छाते देते देखना। वैसे हम गाड़ी में भी जा सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी थी, बट हमको एडवेंचर करना था थोड़ा, 2 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, वो भी जंगल से। बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसलिए छाते ले लिया हमने। तो देखते हैं क्या मिलता है रास्ते में। इस रास्ते में मैंने ऑलरेडी पहले 2-3 ब्लॉग बना रखे हैं, अगर आपने देखे हो तो, जब हम चाचा जी के साथ में आए थे लास्ट ईयर। बट इतनी बारिश में और मानसून में पहली बार जा रहा हूँ मैं, तो रास्ते में बहुत पानी मिलेगा, बहुत लैंडस्लाइड मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा भाई। जंगल में भी हमको सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं भाई, बारिश इस ओर से आ रही है, बारिश जहाँ से भी आ रही है, मैं इससे ऐसे बच रहा हूँ। वाह चलो ध्यान से, क्या कर दिए भाई, किसी पारस भैया का फुल पोपट करेंगे रास्ते में, फुल रहेंगे फुल रहे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मस्त। बस अभी आके देखना क्या क्या जानवर देखने को मिलेंगे, मस्त मस्त। हाँ हाँ देखना, अभी रास्ते में एक बाघ की गुफा आती है, बाघ की गुफा, हाँ उसके अंदर चलेंगे भाई। तो भी काफी मजा आ रहा है गाइस, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मस्त जंगल, मस्त रास्ता, पहला झरना दिख चुका है हमको, ये देखो पहला झरना, देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है पूरी, चलो चलो पत्थर पत्थर हो रखे हैं। तो पीयूष हमको रास्ता दिखा रहा है, पीयूष सबसे ब्रेव बन रहा है आज, अगर कोई आगे आएगा कोई जानवर वगैरह तो पीयूष संभाल लेगा। सबसे पीछे देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान सबसे पीछे चल रहे हैं। वैसे रास्ता कैसा है, सीरियसली बताना, मतलब अच्छा तो लग रहा है ना? बिल्कुल बेकार मत बोलो यार, इतना तो प्यारा लग रहा है जंगलों में यार, इतनी सुकून मिलता है कभी कहीं? हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर मिलेंगे रास्ते में हमको, हाँ बाघ कोई वैसे मिलेंगे नहीं यार, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन फिर भी जय माता दी, कुछ नहीं मिलेगा। आप सच में डर रहे हो क्या इतने बड़े होके भी? बात ये होती है भाई, नेचर से नहीं लड़ सकते ना हम लोग, मान लो कोई जंगली सांप जंगली सुअर कुछ भी मिल जाए, उनसे हम लोग लड़ नहीं सकते। अगर कोई इंसान है तो उसको हम एक बार के लिए, मैं उसको पकड़ सकता हूँ कि भाई इधर आ तू, तेरे को मैं बताऊँ, बट अगर उनको जंगली सुअर से कैसे लड़ूं भाई, वो बहुत क्यूट होते हैं जंगली सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ पे पूरे पत्थर पत्थर ही पत्थर है ना। तो एक और झरना आ गया, ऐसी जगह पे आके ना मतलब इतना सुकून मिलता है ना, ऊपर चलते हैं और ऊपर, ये लग रहा है प्यारा। तो अभी मैं खड़ा हूँ ये फिसलने वाले पत्थर के ऊपर, और यहाँ से ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार, ये पता नहीं पानी ऊपर से आ रहा है कहीं से। तो गाइस अभी पारस भी आए, कुछ ज्यादा ही सांस दिखा रहे हैं अपना, और सबसे आगे चल रहे हैं। और पारस भैया कैसे हो, बढ़िया हो? तो यहाँ पे है बाघ की गुफा, इस पत्थर के नीचे, यार नीचे यार फिसल सकते हैं, जाना ठीक नहीं है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, जो ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये हमारा घर ही है। तो अभी हम घर पहुँच गए फाइनली, वो सामने वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो हमारा घर ही है, और सामने है वो नदी जहाँ पे भी हम जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम पहुँच चुके गांव में, एंड ये हमारे साथ में कुनाली, कुनाली
कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। क्यों बैठे हो? कार्टून देखने के लिए। कौन से कार्टून देख रहे हो? लकी। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में जहाँ पे रुपाई हो रही है हमारे खेत में, तो चलो। कुनाली भी जा रहा है हमारे साथ में। ध्यान से रे, गिराइयो मत इसको, बस लो अपने पीठ पे उठा के ले जा रहे हैं इसको ये। और साथ में दादाजी भी जा रहे हैं हमारे। इसका भी अलग ही मजा है बारिश में इस तरह छाता लेके खेतों की तरफ जाने का। खेत में भी उसकी मम्मी और हमारे अम्मा भी मिलेगी हमको, जो कि धान की रोपाई कर रहे हैं। मतलब इतनी बारिश में, इतनी ठंड में खेत में काम कर रहे हैं, देख लो। हैट्स ऑफ टू हर। खेतों में तो हमने एंटर कर लिया है, चारों तरफ देखो खेत ही खेत हैं, प्यारे प्यारे। और उस वाले खेत में रोपाई हो रही है, वहीं पे हैं चाची और अम्मा। बाकी व्यू काफ़ी प्यारा है। और हम चलते जा रहे हैं चप्पल डाल के, यहाँ पे जूते डाल के नहीं चल सकते, जूते फिसलते हैं ना और गीले भी हो जाएंगे। तो पीयूष तो गया खेत में, चप्पल उतार के हम भी चलते हैं। पैंट ऊपर करनी पड़ेगी। वो भाई ठंडा पानी है फुल। पीयूष गिरी हो मत यार, बस कपड़े खराब हो जाएंगे। और चाचा जी प्रणाम। जिधर हो ठीक हो? ठीक हो, पहुंच गए। हाँ, ये क्या कर सिर में? अरे जुगाड़ के लिए देखो पॉलिथीन लगा रखी है, दो दो पॉलिथीन। भीगेगा नहीं ना। चाची प्रणाम। हाँ जी आप ठीक हो? प्रणाम प्रणाम। और ठीक हो आप सब? हम भी ठीक है। रोपाई करने? हाँ। तो यहाँ पे रोपा लग रहा है देखो, इतने में लग चुका है। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को। दूर से मैं नीचे तो आ नहीं सकता। प्रणाम। ठीक हो सभी के सभी? कल क्यों नहीं आया? बैलों की कल बारिश हो रही थी ना, बारिश हो रही थी, आज भी हो रही है। तो आज फिर आ गए, फिर सोचा कि। तो ये है हमारा खेत, हमारा ही खेत है ना ये। तो ये हमारी चाची जी, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। हमका तो मजा ही आ रहा है। मेरा मेरा पैर देखो पूरा डूब गया। प्रणाम। ओ अम्मा, अम्मा तो बहुत दूर है हमसे। कुनाली कह रहा है मैं भी आऊंगा। है इतना छोटा सा है, डूब जाएगा, डूब जाएगा भाई। अम्मा देखो सही खेतों में काम कैसे कर रही है अम्मा। प्रणाम। ठीक हो? हाँ, पॉलिथीन डाल रखे हमने। ओहो हमारी एक और अम्मा, मम्मी पापा सब ठीक है सब। तो चलो हम भी काम करते हैं। अब डूब गया। अम्मा बताओ कैसे लगाना है, मुझे बताओ आप। मैं बताऊंगी बस। ये लगा, मेरा हाथ से ले। ये करो, दो दो, ये घुसा दो, दो दो। अच्छा ऐसे? हाँ। दो या एक? दो। तो देखो ये है धान, जिसकी चावल, चावल है ना ये। हाँ, हाँ, जिसका चावल उगेगा। हाँ। तो इसको इस तरह से करके ये यहाँ पे बस डाल दो ऐसे। पीयूष ने पहले भी ये काम किया है तो पीयूष को तो आता ही है। चाची यार इसको हटा लो थोड़ी देर के लिए, वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी। बारिश कहाँ हो रही है? अब तो रुक गई बारिश, देखो आप भी हटा दो। हाँ बारिश रुक गई वैसे भी। ओए गिर गया यार। ओए नहीं, ओए नहीं। नाली को देख के ना मेरी बचपन की यादें ताजा होगी सारी। बचपन में मैं अभी ऐसे ही करता था, खेलते रहता था बस। बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था इस चीज में। मतलब पहाड़ों के बीच में खेत और मस्त काम। पीयूष के बारे में कुछ कहना चाहोगे? पीयूष इतनी तरक्की कर रहा है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है हमको देखने में। अच्छा क्या लग रहा है? आप तो खेत में काम कर रहे हो। काम तो करना पड़ेगा गाँव में रहके। नहीं भाई नहीं, मेरे एक एक पौधा इस तरह से डालना है और ऐसे डालते डालते पूरा खेत को कवर करना है। अलग ही फील ले रहे हैं भाई साहब। तो पीयूष वहां भी चला गया निकालने के लिए। गंदा कर दिया। ओ भाई साहब, पीयूष ने तो कर दिया मेरा काम, मेरे कपड़ों का, मेरे फेस का, मेरे बाल का, मेरे सब चीज का, मस्ती मस्ती में। मत कर यार अब तो। तो वहां पे है नदी, आवाज भी आई होगी आपको, वहीं चलते हैं अब। हम बिना चप्पल के चल रहे हैं यहाँ पे, पैर देखो कैसे हो गए, मतलब लिटरली। इसका भी अलग ही मजा यार, है ना भाई? बड़े से मेरे कपड़े खराब कर दिए, देखना पूरे। इस वाले खेत में ऑलरेडी रुपाई हो चुकी है देखो कंप्लीट, इस वाले में भी हो चुकी है, इस वाले में नहीं हुई है। तो इस तरह से होती है। तो फिलहाल जैसे कि अभी हमारे खेत में रुपाई हो रही है, तो मतलब गांव वाले सारे मिलके एक खेत में करते हैं, मतलब एकता से काम करते हैं। पहले एक ही खेत में सारे मिलके, फिर दूसरे खेत में, फिर तीसरे खेत में, इस तरह से पूरे गाँव के
जितने भी लोग हैं सबके खेत की रुपाई हो जाती है। तो अभी नदी में जा रहे हैं, नदी काफी ज्यादा उफान पे आ रखी है बारिश की वजह से, तो संभल के जाना पड़ेगा हमको। सबसे मेन तो चप्पल नहीं है कुछ, पैर में घुसना। अरे यहाँ से नहीं जाना, कहाँ जा रहे, उधर जाना है। परेश भैया कुनाली को संभाल रहे। बारिश स्टार्ट होगी फिर से, कोई बात नहीं भीग जाएंगे। चल वैसे भीग ही रखे हैं। तो पहाड़ों की लाइफ तो कुछ ऐसी ही होती है। ये बारिश की वजह से इतना सारा पानी हो रखा है, यूजुअली बहुत कम पानी रहता है इसमें, आपने देखा होगा मेरे पुराने ब्लॉग्स में जब हम यहाँ पे आए थे। पर जब डर ही नहीं लगता, देखना कहाँ बैठे हैं। चलो फिलहाल अब चलते हैं घर की तरफ। मिट्टी के पैर हो गए थे तो यहाँ पे साफ साफ पानी आ रहा है, रोड में हम धो लेते हैं यहीं पे। हर यहीं धोने लग गए हाथ भी, वाह। पीने का नहीं है, पी मत जाना कहीं। तो चाचा जी हमारे लिए यहाँ पे खाना बना रहे हैं, दाल चावल। और ये यहाँ का किचन, इधर आओ किचन दिखाता हूँ आपको, किचन दिखाता हूँ। तो पारस भैया को यहाँ बिठा दिया चूल्हे के पास में, कपड़े भीग गए थे इनके, तो देखो किस तरह से कर रहे हैं। जल जाएगा भाई वो, जलेगा। तो अभी चाची और अम्मा भी आ चुके हैं खेत से रोपाई करके, लंच करने के लिए। हो जाएगा आज वो खेत कंप्लीट। अम्मा देख लो 70 साल की उम्र में अभी तक खेत में फुल काम करती है। तो अभी खाना तो खा लिया, बट बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो हमको गाड़ी बुलानी पड़ेगी जाने के लिए अब। अरे रुक जा मैं भी तो हूँ। तो अभी हमने गाड़ी मंगा ली है, चलते हैं, बारिश में ही जाना पड़ेगा। गाड़ी आ गई हमारी, जल्दी निकलते हैं। चलते मेरे को तो आने दे। तो अभी हमको रास्ते में रुकना पड़ा, उधर के देख के आते हैं क्या सीन है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया। तो यहाँ पे तो पूरी रोड ही ब्लॉक हो गई है, मतलब ऊपर से पूरा मलबा नीचे आ रखा है, तो गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी। जैसे ये गिरा है नीचे, वैसे ये भी नीचे आ सकता है भाई, पीछे हट जाए यहाँ से। चलो यार चलो। तो रोड हो गई है ब्लॉक, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे जाएं। फिलहाल गाड़ी में ही चलते हैं। तो मुझे डर लग रहा है कहीं यहीं से यही नीचे ना आ जाए कहीं अपने ऊपर ही सीधा। बाहर तो रोड ब्लॉक हो चुकी है, हम गाड़ी के अंदर फंस चुके हैं फिलहाल, और बाहर बारिश भी हो रही है। तो फिलहाल स्नैक्स वगैरह ये थोड़े बहुत पैकेट यही खाए जा रहे हैं। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे पैदल पैदल, थोड़ा सा रास्ता अभी खुला है, गाड़ी तो जा नहीं सकती, तो हम पैदल पैदल निकलेंगे यहाँ से। अराउंड 1.5 किलोमीटर बाकी है, तो गाड़ी यहीं पे पार्क कर देंगे, कोने में लगा दो बस। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, अब हम पैदल पैदल जाएंगे। क्या खुल नहीं रही, इससे एक छाता नहीं खुल रहा है। खोल रही, मतलब अब की बार गाँव आगे खतरनाक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं हमको, मतलब लैंडस्लाइड हो गया। हम पैदल जा रहे हैं गाड़ी छोड़ के, इतना बड़ा छाता ले घूम रहे हैं। तो यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी है, हम तो साइड से निकल रहे हैं, साइड से रास्ता देखो। आजा आजा भाई साहब। और यहाँ देखो नीचे खाई है, और हम चल रहे हैं। ये देखो रोड में पूरा मलबा रखा है, पूरी रोड में ऊपर से पानी आ रहा है। ध्यान से ओ भाई साहब, आगे भी गिर रखा है भाई, कभी भी कुछ भी नीचे गिर सकता है। जल्दी से होटल रूम पहुँचते हैं। ये देखो कैसे हो रखा है काम भाई साहब, डर लग रहा है भाई अब तो मुझे। गलत टाइम पे आ गया अपन यहाँ पे, पीसी बट यहाँ जो रहते हैं लोग उनके साथ तो रोज ही ऐसा होता होगा, रोज ही लैंडस्लाइड होता होगा, तो वो परेशान हो जाते होंगे ना। मतलब पोपट होने में फायदा ही है, अभी हम पैदल आ रहे हैं तो हमको फायदा हुआ है, हमको ये देखने को मिला। देखो कितना मस्त लग रहा है, क्या व्यू आ रहा है, ये वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता गाइस बिल्कुल भी। देखना क्या प्यारा लग रहा है यार। तो फाइनली 4 दिन के बाद हमको धूप देखने को मिली है, वो भी यहाँ पे जहाँ पे हम पीछे थे, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे तो बारिश ही आ रही थी, बट यहाँ पे धूप है, मतलब 1 किलोमीटर में ही धूप है। पहाड़ों का तो सीन ही क्या होता समझ में नहीं आता। बाय द वे ये पीछे हमारा होटल है, पहुँच गए हम, चलते हैं अंदर। तो आते ही अपनी चाय और कॉफ़ी तो आ गई, क्योंकि हम भीग गए थे ना रास्ते में। चाय भी है, मैं तो चाय पीऊँगा, ये कॉफ़ी पिएगा। तो फिलहाल ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे कि अभी हम गांव में गए थे ना, तो पीयूष की मम्मी हैं, पापा हैं, हमारे दादा दादी सब वहीं हैं, तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए वहीं जा रहे हैं, वहाँ पर शूट कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी भी है, इसकी मम्मी पापा हमारे जो दादा दादी हैं वो बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। मैं देख रहा था वीडियो, तो आप समझ सकते हो वो गाँव में रहते हैं किस तरह से रहते हैं, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से कोई आके। मैं आपने मेरा भी ब्लॉग देखा होगा, मैं भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा शूट करता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाना अवॉइड ही किया करो। बाकी हम जल्दी ही अब हल्द्वानी शिफ्ट होने वाले हैं, फिर तो मैं दादा दादी चाचा चाची को अपने साथ में रख लूँगा, क्योंकि पीयूष की मम्मी अब इस तरह से गाँव में आते मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हमारे साथ में रहेंगे ना पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरा एक ड्रीम था कि सारे सभी हम साथ में रहें, तो वो करना है, तो बस यही कहना था। तो अभी रात के बज गए हैं 10:50, व्लॉग एडिट हो चुका है, डिनर वगैरह सब हमने कर लिया था, फिलहाल पीयूष यहाँ है, दिव्यांश यहाँ है, एंड पारस भी अभी बाहर यहीं पे ही है। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आपने देखा आज हम गांव गए थे रोपाई की, अब बहुत ज़्यादा मजा आया, रास्ते में लैंडस्लाइड भी मिला। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया, तो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सांप, पीयूष। देख लो क्या गुंडा बनेगा।